किसानों से हाथ मिलाने की बजाय सरकार उनसे पंजा लड़ा रही है, किसानों से आंख मिलाने की बजाय सरकार उन्हें आंख दिखा रही है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। 4 महीने करीब हो गए किसान बैठे हैं, हमने बार बार इस सरकार को कहा, हमने कहा किसानों से हाथ मिलाओ, सरकार पंजा लड़ा रही है उनसे, हाथ नहीं मिला रही है, सरकार किसानों से पंजा लड़ा रही है। हमने कहा किसानों से आंख मिलाकर बात करो, सरकार जो है आंख मिलाने के बजाय आंख चुरा रही है और आंखें दिखा रही है किसानों को। तो इस प्रकार से जो मुख्य वर्ग है, अन्नदाता है, उससे तुरंत बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार हरियाणा की जनता को बहुत महंगी पड़ रही है, सरकार की नीतियां जनता को गरीबी और महंगाई की खाई में धकेल रही हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी, किसानों की लागत और प्रदेश पर कर्ज में इजाफा हो रहा है, हर वर्ग सरकार से हताश और निराश है, ये सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। पावर बिल है, उसको गरीब आदमी पे बुरी तरह उस मार पड़ी, 2 महीने के बिल की गारंटी देने का इन्होंने काम किया है, इसका मतलब 2 महीने जो पहले बिल दर्ज किया उतना अमाउंट गारंटी दे दो, नॉन रिफंडेबल। महंगाई आप देख रहे हैं, आप डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ देखो, आम आदमी का जीवन जो है बहुत समस्या में हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपनी नाकामियों को सरकार विपक्ष पर थोपना चाहती है, जबकि उसे आत्म मंथन करना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि 2 साल पहले हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी के नेता आज जनता के बीच क्यों नहीं जा पा रहे हैं। किसानों के प्रति सरकार का रवैया पूरी तरह नकारात्मक है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से ही आंदोलनरत किसानों को सरकार अब मंडियों में परेशान कर रही है। रजिस्ट्रेशन, नमी, मिश्रण और मैसेज का बहाना बनाकर गेहूँ की खरीद में देरी की जा रही है। ये विफल सरकार है, कानून व्यवस्था से ये अधिकारियों कंधे पर अपनी विफलताएं फेंकना चाहते हैं, विपक्ष पे अपनी विफलताएं थोपना चाहते हैं, खुद की विफलताएं हैं। आज जो परिस्थिति है, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोई मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्म अध्ययन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई, क्यों लोगों के साथ हाथ क्यों नहीं बढ़ा के चलते। ये उन लोगों ने चुनी है सरकार जो 2 साल पहले 10 की 10 सीट जिस पार्टी की आई हूँ, आज वो सरकार जेजेपी और बीजेपी की सरकार हरियाणा में केवल विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस तो लोगों का खो ही चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गेहूं खरीद में मानक नमी की मात्रा को 14 से घटाकर 12% और मानक मिश्रण की मात्रा को 0.75 से घटाकर 0.50% करना किसान विरोधी फैसला है, इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से हर बार की तरह इस बार भी गेहूं खरीद के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई, सभी दावों की पोल खुल गई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट 16 लाख किसानों का ट्रैफिक नहीं झेल पा रही है। सर्वर डाउन होने की वजह से अब तक 8 लाख किसान ही रजिस्ट्रेशन करवा पाए हैं। बचे हुए 50% किसान अपना गेहूँ कैसे बेचेंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है। कोई समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं, उनमें से कई महीनों में इन्होंने करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया और 8 लाख के लिए 2 दिन दिए। आज किसान जब मंडी में लेके जाएगा, जब उसको मैसेज आएगा आज मेरी फसल पक जाती है और मेरे को मैसेज नहीं आता, और इन्होंने काम कर दिया, नमी घटा दी। नमी पिछली बार 14% की नमी लेते थे, वो इन्होंने घटा दी, अब 12% कर दी, और जो पहले 1 क्विंटल में 0.75
मिश्रित मात्रा जैसे राई मिल जाती या सरसों मिल जाता या भूसा उसमें मिल जाता तो उसपे तौल कराई जाती थी। इस बार उसको घटाकर 0.50 कर दिया। वहाँ पे भी किसान को मारा हल्ला बोल हरियाणा।